नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में छोटे उद्योगों को सस्ती बिजली देने की योजना। छोटे उद्योगों को 15% सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव। राज्य के 1.75 लाख छोटे उद्यमियों को होगा लाभ। कोसी गंडक का घटा जलस्तर। जलस्तर घटने के बावजूद कटाव का बना खतरा। तटबंधों को सुरक्षित करने का काम युद्धस्तर पर। पटना के 48 शिक्षक रडार पर। 48 शिक्षकों की प्रमाण पत्र की होगी जांच। डीएम संजय कुमार ने दिए निर्देश। गया एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 10 अक्टूबर से शुरू। 29 मार्च तक इंटरनेशनल फ्लाइट का होगा आवागमन। एयरपोर्ट निदेशक बंगजीत साहा ने दी जानकारी। और बिहार में भूमि सर्वे की समय सीमा बढ़ाने का संकेत। सरकार दे सकती है 6 महीने का अतिरिक्त समय। मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, बिना चिंता के जुटाए कागजात। अब खबरें विस्तार से। बिहार में अब छोटे उद्योगों को भी सस्ती बिजली मिलेगी, खासकर दिन के समय। छोटे कल कारखानों के लिए सामान्य दर से 15% सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव बिजली कंपनी ने ट्रैफिक पिटीशन में शामिल किया है। इस योजना से राज्य के लगभग 2.25 लाख छोटे उद्यमियों को लाभ होगा। बिजली की खपत में दिन और रात के समय के बीच बड़ा अंतर है। पीक आवर में बिजली की मांग 8000 मेगावाट तक पहुँच जाती है, जबकि सामान्य अवधि में ये 5000 से 6000 मेगावाट होती है। इस निर्णय से दिन में उद्योग चलाने वाले छोटे उद्यमियों को सस्ती बिजली मिलेगी, जबकि रात के पीक आवर में उन्हें अधिक दर चुकानी होगी। बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने बताया कि ये योजना बड़े उद्योगों के TOD टैरिफ के तर्ज पर बनाई जा रही है, जैसे बड़े उद्योगों को दिन में सस्ती दर पर बिजली मिलती है, अब छोटे उद्यमियों को भी इसका लाभ मिलेगा। रविवार की शाम बारिश की रफ्तार कम होते ही नेपाल की नदियों में जलस्तर में कमी आने लगी है। कोसी और गंडक बराजों पर जलस्तर नीचे आना शुरू हो गया है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी नदी ने रविवार की सुबह बीरपुर बराज पर 6.61 लाख क्यूसेक का रिकॉर्ड पार किया, जो 1968 के बाद का सबसे बड़ा जलस्राव है। गंडक नदी भी तेजी से बढ़ी है। शनिवार रात ये 5.62 लाख क्यूसेक से ऊपर चली गई। हालांकि नेपाल से पानी का आना कम हुआ है, फिर भी खतरा कम नहीं हुआ है। जल स्तर के घटने के बावजूद कटाव का खतरा बना हुआ है, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। हाल ही में सरकार ने पान और स्वासी जाति के साथ ही ताती और ततवा जाति के कर्मियों की जानकारी मांगी है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है, जिसके तहत ताती और ततवा जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर इन जातियों की कर्मियों की जानकारी एकत्रित करने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मियों की सेवा पुस्तिका में सही जानकारी हो और उनके आरक्षण की स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव किया जा सके। विभाग के संयुक्त सचिव गुफरान अहमद ने सभी विभागों को 1 सप्ताह के भीतर सौघोषणा पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और कई अन्य आयोगों से भी जानकारी मांगी गई है। नालंदा जिले के मौसमगंज एकंगरहडी गांव के निवासी गौतम कुमार को बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयनित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। गौतम के चयन ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव को गौरवान्वित किया है। ग्रामीणों ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया और शुभकामनाएं भी दी। गौतम ने बताया कि इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और माता पिता का अटूट समर्थन है। उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जुनून और दिन रात के अभ्यास का जिक्र किया। गौतम का सपना भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना है। पटना जिले के 17 प्रखंडों में 48 शिक्षकों की प्रमाण पत्र जांच की जाएगी। जिनके पास डुप्लीकेट BTET, CTET और STET प्रमाण पत्र पाए गए हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र मांगकर उनकी गहन जांच कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय एक ही अनुक्रमांक संख्या पर 2 शिक्षकों का प्रमाण पत्र चिन्हित होने की वजह से
ये मामला सामने आया है। बख्तियारपुर, मसौढ़ी और धनरुआ प्रखंड में सबसे अधिक 6-6 शिक्षकों का नाम इसमें शामिल है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि के साथ ही बिहार के गांवों में रौनक लौट आई है। दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर परदेशियों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। ये लौटने का सिलसिला सिर्फ त्योहारों के लिए नहीं बल्कि विशेष भूमि सर्वे में भागीदारी निभाने के लिए भी है। सरकार ने रैयतों को 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया है, जिससे दूर दराज के शहरों और विदेशों में रहने वाले लोग अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं। इस मौके का लाभ उठाते हुए लोग अपने परिवारों के साथ त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। भूमि सर्वे की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए परदेशियों को अब अपने खातों का मिलान करना, कागजात जुटाना और स्वघोषणा पत्र भरना होगा। अब तक लाखों लोगों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया है कि सभी जिलों में सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और रैयतों को सभी आवश्यक सुविधाएँ दी जा रही हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति बिकराल होती जा रही है। कई जिले इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ चुके हैं और राजधानी पटना भी इससे अछूती नहीं रही। अवस्थाएं इतनी गंभीर हो गई हैं कि लोग चचरी पुल के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप हमारे स्क्रीन पर यह नंबर देख सकते हैं और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 1070 पर आप मांग सकते हैं। बता दें कि बिहार में बाढ़ से 13 जिले प्रभावित हैं और 20 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके लिए SDRF और NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा, बेतिया, मधुबनी, कटिहार, गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश कर चुका है। लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बगहा में चंपारण तटबंध टूटने की खबर है और दरभंगा में कोसी तटबंध के टूटने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है, जिससे लोगों की जिंदगी पर संकट मंडरा रहा है। बिहार के गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय विमानों का आगमन प्रस्थान 10 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। ये सेवा 29 मार्च तक चलेगी। एयरपोर्ट प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। गया एयरपोर्ट के निदेशक बंगजीत शाह ने बताया कि 10 अक्टूबर को थाई एवरेज की पहली उड़ान गया एयरपोर्ट पर पहुँचेगी। गया एयरपोर्ट से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों का आगमन प्रस्थान होगा, जिसमें थाई एयरवेज, ड्रुक एयरवेज, भूटान एयरवेज, इंडिगो और म्यांमार नेशनल फ्लाइट शामिल हैं। यात्रियों की संख्या के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की तिथियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की मंकी पॉक्स की भी जांच की जाएगी। इस हेतु डॉक्टरों की एक टीम तैनात की गई है। बिहार के गया में पिंडदान के लिए विदेशी तीर्थयात्री जुट रहे हैं। यूक्रेन, घाना, रूस, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और जर्मनी से आए ईसाई तीर्थयात्री पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गया पहुंचकर पिंडदान कर रहे हैं। इन यात्रियों ने पहले भगवान बुद्ध के दर्शन किए और फिर देवघाट पर पिंडदान का अनुष्ठान किया। विदेशी तीर्थयात्रियों ने भारतीय परंपरा का पालन करते हुए भारतीय महिलाओं की तरह कपड़े पहने और पुरुषों ने धोती धारण की। आचार्य लोकनाथ गौड़ के मार्गदर्शन में सभी ने श्राद्ध काम किया। साउथ अफ्रीका से आए एक तीर्थयात्री ने बताया कि उन्होंने सनातन धर्म के सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि ये मेला 2 अक्टूबर तक चलेगा। राज्य सरकार ने अवैध बालू और गिट्टी के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। बिहार पुलिस खान एवं भूतत्व विभाग के साथ मिलकर बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई और ईडी भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में दर्जनों जिलों के 50 से अधिक बालू माफियाओं को चिन्हित किया गया है, जिन्हें तड़ी पार या जिला बदर करने की तैयारी की जा रही है। ईडी ने इस मामले में कई प्रमुख कंपनियों के निदेशकों पर भी कार्रवाई की है, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। पिछले हफ्ते बालू सिंडिकेट के 2 प्रमुख सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। 1 अक्टूबर से पटना के सभी नालों का
पानी जांचा जाएगा। ये जांच 15 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। अब ये प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होकर अगले 15 दिनों तक चलेगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नालों को चिन्हित कर लिया है और प्रत्येक नाले से 2 सैंपल लिए जाएंगे। ये जाँच 15 पैरामीटर पर होगी, जिसमें पानी का पीएच मान, बीओडी, सीओडी और नाइट्रेट जैसे तत्व शामिल हैं। ये पहली बार है जब नगर निकायों के नालों के पानी की जांच की जाएगी। पहले भी दीघा घाट पर गंगा के पानी में झाग बनने का मामला सामने आया था, जिसे गंभीरता से लिया गया था। एनजीटी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जांच की रिपोर्ट 15 दिनों में आएगी, लेकिन सभी 507 नालों की जांच और रिपोर्ट आने में 2 वर्ष का समय लगेगा। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सरकार ने पहले ही इस सर्वे के काम को 3 महीने के लिए टाल दिया था, लेकिन अब राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने संकेत दिए हैं कि ये समय सीमा और भी बढ़ाई जा सकती है। यानी लोगों के पास अपनी जमीन के कागजात तैयार करने के लिए कुल 6 महीने का समय मिल सकता है। मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रखंड कार्यालयों में भ्रष्टाचार की समस्या गंभीर है, दलालों की गतिविधियां खुलकर चल रही हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार लोग बिना किसी चिंता के अपने कागजात जुटा सकेंगे। मंत्री ने कहा कि अगर किसी कारणवश किसी का जमीन का सर्वे नहीं हो पाता है, तो सरकार खुद मौके पर जाकर सर्वे कराने का काम करेगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को उनके शानदार करियर के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के ऐलान की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर अनाउंस किया कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उन्होंने लिखा कि मिथुन दा की उल्लेखनीय सिनेमाई यात्रा हर जनरेशन को प्रेरित करती है। ये घोषणा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि दादा साहब फाल्के सिलेक्शन जूरी ने महान अभिनेता श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती को ये सम्मान 8 अक्टूबर 2024 को 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया जाएगा। बीसीसीआई के नए उत्कृष्टता केंद्र के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि ये केंद्र खिलाड़ियों को शीर्ष स्तर की फिटनेस बनाए रखने और अपने कौशल को निखारने में मदद करेगा। वीवीएस लक्ष्मण ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि इस केंद्र का लाभ न केवल भविष्य के क्रिकेटरों को मिलेगा, बल्कि वर्तमान पीढ़ी में भी इसका फायदा उठाएगी। लक्ष्मण ने स्पष्ट किया कि ये केवल रिहैबिलिटेशन का केंद्र नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को उत्कृष्टता हासिल करने का अवसर भी प्रदान करता है। उनका मानना है कि इस केंद्र से भारतीय क्रिकेट टीम सभी प्रारूपों में विश्व में सबसे बेहतरीन बनकर उभरेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, नूनू गोलू, सादुल्लाह पलवी, रवि मोहन वर्मा, मोहम्मद सदाम, मुन्ना प्रसाद, वेद प्रकाश, विनोद महात्मा, मोहम्मद अरमान, रूपा कुमारी, संजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, राम बाबूदास, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, शेख अकबर, सुनील सिन्हा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, और आज का सवाल है, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप बिहारी न्यूज देखते रहिए, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।